देवास में प्रसिद्ध माता टेकरी पर भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। वहीं सप्तमी और अष्टमी को लेकर देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह से साधना ने उसकी टीम ने विशेष चर्चा की, जिस पर देवास के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह का कहना है कि पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही माता टेकरी पर अव्यवस्था ना हो इसके लिए जिक्र जीक जेक बनाया गया है, जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और दर्शनार्थियों को आराम से दर्शन हो सके। देवास में इस समय नवरात्र की आज सप्तमी का दिन है और ये माँ चामुंडा का वो स्थल है जहाँ से लोग दर्शन करने के लिए माता के दरबार में ऊपर जाते हैं और जहाँ पर छोटी माता और बड़ी माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता के लोग दर्शन का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। क्योंकि देवास में इस बार प्रशासन द्वारा भी वैकल्पिक व्यवस्था काफी अच्छी करी गई। कहीं देखा गया कि उनको अगर रश बढ़ता है या क्राउड बढ़ता है, जिस तरह से शनिवार रविवार को दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी थी, तो देवास पुलिस ने कई लोगों को डाइवर्ट भी करा और इसके अलावा 250 पॉइंट ऐसे बनाए गए थे जहाँ से लोगों को समझाई देकर इधर उधर व्यवस्था में संभालने में मदद करवाई गई। क्योंकि इस समय हमारे सामने साथ में देवास एसपी खुद मौजूद है, खुद अभी देखा था हमने, खुद जो लाइन बनाया गया झिकझक बनाया गया उसमें जाकर देख रहे थे किस तरह से कितना समय लगता है। उसके अलावा उन्होंने क्या व्यवस्था करी हम सीधा उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले बताइए कि माँ चामुंडा का सप्तमी का दिन है, नवरात्र का दिन, और अगर शनिवार रविवार की बात करेंगे तो काफी क्लाउड बढ़ा था, इसके बाद व्यवस्था क्या रहेगी आपकी वहाँ पर व्यवस्था है? देखिए माता के दर्शनों के लिए इस बार दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ रही है। आने वाले 2-3 दिन में हम लोग और भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं। इस हेतु हमने कई तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं। सबसे खास व्यवस्था यह है कि हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि इस बार सुरक्षा के साथ साथ हम आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा भी दें, उनको ये बताएं कि कहाँ से जाना है, कहाँ से उतरना है, कहाँ से नीचे आना है, और यदि क्राउड बढ़ता है तो हमने वैकल्पिक रास्ते बना के रखे हैं जहाँ से उठकर हम श्रद्धालुओं को डाइवर्ट कर सकते हैं। सर जिस तरह से एक शंख द्वार है और दूसरा सीढ़ी मार्ग है, इसके अलावा एक रास्ता और है जो आपको पुलिस ग्राउंड से निकलता है, ऐसी कोई व्यवस्था आपने बनाई है? देखिए दोनों रास्तों से, सीढ़ी द्वार से और शंख द्वार से हम लोग अल्टरनेट तरीके से क्राउड को चलाते हैं। धुनी द्वार को हमने रिजर्व रखा हुआ है, यदि किसी तरह की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो उस द्वार को हम रिजर्व के रूप में काम में लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि हमने पूरी व्यवस्था को इस बार, चाहे वृद्ध हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हों, दिव्यांग लोग हों, उनके लिए फ्रेंडली बनाया है ताकि नीचे से लेकर ऊपर तक आदमी व्हीलचेयर लेके जा सकता है अपनी और दर्शन करके वापस आ सकता है। हमने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि यदि कोई विशेष ग्रुप आता है जिसमें लोगों को स्पेशल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पुलिसकर्मी उनको दर्शन के लिए ले जाते हैं, अपने साथ एक टीम के रूप में ले जाते हैं, फिर वापस दर्शन करा के उनको वापस अपने गंतव्य तक छोड़ते हैं। सर जिस तरह भी आप शंख द्वार से आ रहे थे झिकझिक बनाया गया, क्योंकि ये झिकझिक अभी खाली दिख रहा है, इसके अलावा आपने कुछ शायद झिकझिक एक और जो साइड का बना था वो भी खाली था, क्या ऐसी व्यवस्था क्यों ऐसी की गई? देखिए क्राउड बढ़ने की स्थिति में गैंगवे में डाला जाता है। सर शनिवार रविवार की बात करें तो क्राउड बढ़ा था, बढ़ा था, तो हमने सारे गैंगवेज को जितने झिकझिक बनाए गए सभी को उपयोग में लिया था, सब काम आए थे। आने वाले दिनों में यदि क्राउड फिर से बढ़ता है तो हम उनको उपयोग करेंगे। जब आदमी आसानी से चल रहा होता है तो फिर उसको अवॉइड करके हम सीधे डायरेक्ट उनको वहाँ तक दर्शन के लिए ले जाते हैं। सर खास बात है कि पुलिस ने ये काम के अलावा जो बच्चे खुआ जाते हैं उनमें भी काफी अच्छी मदद करी है, किस तरह का आपको इसके लिए?